आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? ये मेरे हाथ में नहीं है अनीस, अल्लाह के हाथ में है। बल्कि आप एक काम करें, मेरा गला दबा दें, चली जाती हूँ अल्लाह मियाँ के पास, पूछती हूँ कि क्यों नहीं हो रहे मेरे बच्चे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहां जाऊंगी ना तो वापस आने की इजाजत नहीं होगी। कहीं बाहर चले, चाय बना के लाऊं आपके लिए। बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं खड़े रहते। बीवियों से बातें करना अच्छी बात नहीं है। बीवियों से ही बात करना तो अच्छी बात होती है। आप हमारे साथ यहाँ खड़ी रहिए, देखिए मौसम कितना अच्छा है और आपको देखने का दिल चाह रहा है। बीजान, जी बीजान, आ रही हूँ। अरे ये लग क्यों नहीं रहे? ये पता नहीं, ये बच्चे, ये जो गोंद है ना, ये सही नहीं लेके आए। अरे लग जा। अरे किसको तकलीफ हो रही है? कौन बट्टे मार रहा है? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? क्या हुआ माँ? पता नहीं किसके हाथों में कीड़े पड़े हुए हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं हमारे घर में। अम्मा कोई पत्थर क्यों फेंकेगा? पता नहीं किसका दिमाग खराब है। जब देखो पत्थर फेंक देते हैं, जब देखो पत्थर फेंक देते हैं, कोई मोहल्लेदारी का ख्याल ही नहीं है। ये पत्थर? हाँ ये पत्थर मिल गया। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, वो होगा कोई पागल ऐसे ही मार के गया होगा। छोड़े आप, कुछ नहीं है, पत्थर ही था वो। अरे पहले पागल कम थे इस घर में, जो और लोगों ने मुझे पागल करना शुरू कर दिया। हद हो गई। जी अम्मा। ऐसा कर, फोन चार्जिंग से हटा के लेके आ, ये ना जायदा का फोन आता रहे और मुझे पता ही ना चले। जा। जी अच्छा। दो महीने हो गए मेरी बच्ची की शादी को, अल्लाह जाने मेरी बच्ची खुश है भी या नहीं है। सब खुश है अम्मा। आपा, आपको बताया था ना, आजकल आप ही रोज शॉपिंग पे जा रही हैं। अल्लाह करे जाती हो तो नमाज पढ़ती है ना। अपने आप ही के लिए दुआ किया कर। औरत का घर तो आबाद हो जाता है, और औरत का दिल तब आबाद होता है जब उसकी गोद आबाद होती है। सब हो जाएगा अम्मा, आप परेशान ना हो। अरे मैं इसलिए परेशान कर रही हूँ कि उसके ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं ये सुना सुना के। अरे हाँ, ससुराल से याद है, तेरा क्या बना वो जो फेसबुक पे वो क्या बुला थी, फ्रेंड रिश्ता, उसका क्या बना? अम्मा आपने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। क्या हो गया आपको, रोज एक ही बात लेके बैठ जाती है। आपको मेरी शादी करवाने का शौक है ना, ऐसा करें किसी के साथ भी मेरी शादी कर दो, लेकिन मेरी जिंदगी अजाब बनाना बंद कर दें। अल्लाह अपनी जिंदगी अजाब बना लूं, तेरी ना बनाऊं? सारी जिंदगी तू मेरी बोटियां नोचती रहे, मेरा खून पीती रहे, ऐसे ही सबक पढ़ाती है माँ को। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई, अजाब आ गया है। क्या हो गया? क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा? अम्मा की तो जिंदगी जैसे शादी पे शुरू होती है और शादी पे खत्म हो जाती है, तो जिंदगी और भी कहीं से शुरू होगी, कहीं और पे खत्म होती है क्या? जी बिल्कुल, लोग अपनी बेटियों को डॉक्टर्स और इंजीनियर भी बनाया ही करते हैं, उसके बाद वो भी दूल्हा दुल्हन ही बनते हैं, पता नहीं क्यों फजूल में मेहनत करते हैं। आपा वो मेरी मिस है ना, मिस रेहाना, उन्होंने भी अपनी बेटी शादी आपकी को बहुत मेहनत से डॉक्टर बनाया था। देखा, लोग अपनी बेटियों को सिर्फ दुल्हन ही नहीं बनाते, उसके बाद उन्होंने भी उसे दुल्हन ही बनाया था। अब वो डॉक्टर होने के बजाय अपनी कॉलेज ज्यादा सास की नर्स है, और अस्पताल संभालने के बजाय अपने तीन बच्चे संभाल रही है। तो ये क्या बंदा कुछ भी बन जाए, लेकिन एंड में उसे दुल्हन ही बनना होता है। दिमाग नहीं खराब हो गया तुम्हारा ज्यादा? और ये कॉपी क्यों फाड़ दी है, दिखाओ मुझे। अरे मैंने कहाँ फाड़ी है, ये आपको पता है इस्लामी की किताबें बावजू ऐसे बिना वजू हाथ नहीं लगाते ना। अच्छा मुझे पेपर दिखाओ अपना जो आया था। बस आ गया ना, दे दिया, अच्छा हुआ, हर बार अम्मा मत बना करूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ ठीक है। अच्छा जाओ मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। परसों हिसाब का पेपर है तुम्हारा, अभी आटा गूंद के आती हूँ तुम्हारा हिसाब किताब करने। बड़ी आई, नींद आ रही है मुझे। भाई शाम को सो जाना, समझी ना। क्या मुसीबत है, पढ़ाई नहीं हुई को अजाब हो गया मेरे लिए, जब देखो पढ़ाई।
पहली बात तो हम आपको बता ही नहीं सकते, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर सास 1000 बार भी तलाक कह दे तो तलाक नहीं होती। 2 महीने हो गए, फिर किस बात की खामोशी? बीजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, मिठाई लीजिए। वो सकीना कहाँ पर है? सकीना मेरा ख्याल है किसी काम से गई हुई है। आप हमें बता दीजिए क्या खिदमत करनी है आपकी। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए। आजकल कुछ अजीब सा एक मरसला हक हो गया हमें, वक्त पे वक्त भूख लगती रहती है। तो ऐसी क्या बात है बीजान, आप बताइए ना क्या चाहिए आपको। आप ये मिठाई लीजिए, हम आपके लिए कुछ और लेके आते हैं। ये मिठाई कहाँ से आई? हमारा चौकीदार है ना बीजान, स्कूल में, उसके यहाँ बेटा हुआ है तो उसी खुशी में उसने मिठाई भिजवाई है। वो जिसकी शादी गालिबन 2 साल पहले या साल पहले हुई थी वो? नहीं बीजान, 2 साल पहले नहीं, इसी साल हुई है उसकी शादी। आप छोड़िए ना शादी कब हुई है, आप मिठाई खाइए। नहीं बदर मियां, हमें भूख नहीं है, हम आराम करने चलते हैं। बीजान आपकी तबीयत ठीक है ना? अब कहां भूख लगेगी, कोई बात नहीं हम ही खा लेते हैं मिठाई। कैसी हैं आप? वैसे ही। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप कैसे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बीजा, की ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन लेकिन साहिदा जो कह रही है वो भी ठीक। यही ना कि माँ के कई दफा कहने के बावजूद भी एक दफा भी तलाक नहीं होती। नहीं बीजान, ऐसा कैसे हो सकता, माँ के कहने पर तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है, तलाक क्या चीज। सही कह रही है वो, समझा नहीं बीवी। बीवी को तलाक तो हो सकती है पर मोहब्बत को नहीं। अनीस मियां, हमने एक डॉक्टर से बात की है, आप अपनी बीवी को दिखा सकते हैं अगर वो चाहे तो। वो क्यों नहीं चाहेगी बीजान, लेकिन देखिए जाहिदा से शादी करने की आपकी ख्वाहिश थी, हमारी औलाद की है, आपकी ख्वाहिश हमने पूरी की दिल पर पत्थर रख के, अब आप हमारी ख्वाहिश पूरी कीजिए। जी बेहतर।
ये मिजा। ये क्या? इतने सारे पेपर्स? हाँ, इन्हें फाइल में लगा दीजिए। क्या हुआ? फिर कुछ हो गया है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बीजा ने नंबर्स दिए हैं डॉक्टर्स के और उनके कॉन्टैक्ट्स हैं बस। समझ क्यों नहीं रही है ज़्यादा? बच्चे भी जान की ख्वाहिश भी और उनकी जिद भी। अच्छा, कब जाना है? क्या मतलब कब चलना है? मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, ये औरतों वाले काम है। मैं क्या करूँगा, आप खुद चली जाइएगा। क्या मतलब है अनीस, मैं खुद कैसे जाऊंगी अकेले? हमने कहा ना कि खुद चली जाइएगा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप खुद चली जाइएगा ना, हम नहीं जाना चाहते। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी मैं। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे वो शादी से पहले वाला अनीस ला दीजिएगा। अरे लड़कियों, कहाँ मर गई हो तुम दोनों? अल्लाह, जिस घर में जवान बेटियां और माँ सारे काम करे, मेरा कमरा सारा बिखरा पड़ा, किसी को सुनाई देता है? अरे भंग पी के सो रही हो क्या? मजा ले कोई कमरे से, बैठ जा। पता नहीं अगले घर जाके ये लड़कियां करेंगी क्या। अरे ये लड़कियां भी, अरे मुझे तो लग रहा है जैसे ज़ाहिदा का फोन है। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? हाँ मैं कल आऊंगी। पर ज़ाहिदा, अच्छा अच्छा ठीक है, कल मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। खुदा हाफिज़। किराए कोई अच्छी खबर है। ज़ाहिदा की आवाज से तो लग रहा था जैसे कोई खुशी हो रही है। लड़कियों बात सुनो। हाँ तो फिर आप, क्या मसला है? अब मैंने अम्मा को कॉल करके बुला लिया, आपको क्या है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी औरत आपके साथ जाए जिसे कुछ नहीं पता, जो जाहिल हो। अनीस अपनी हद में रहिए आप। नीचे देखो सही से। अरे एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल नजमुद्दीन सदुद्दीन के मोबाइल से खेल रहे थे। तो यहाँ भी नहीं है, तो छुपा दी उन्होंने, कहीं मिल नहीं रहा। सही है, आप जाएं। ठीक है, वहां देख। ठीक है शगुफ्ता मैनान, एक मिनट। क्या हो गया, सब खैरियत तो है? हाँ, वो आज ज़ाहिदा के साथ चलना था तो हमने सोचा कि आप भी हमारे साथ चले चलती। वो इस काबिल हैं कि हम उनके साथ चले जाएं? वो डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, अब ये ड्रामे भी होंगे? मतलब ये कि बीजान ने उन्हें 2 महीने का वक्त दिया था ना? हाँ, मगर अब उन्होंने ही डॉक्टर्स के नंबर भी दिए हैं। चले ये भी देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो असूलन अनीस को जाना चाहिए। हाँ, मगर उनकी नजर में ये खालिस औरतों का काम है। मर्दों का क्या काम? सदुद्दीन भी यही कहते हैं। वैसे तो आप बदरुद्दीन भाई के साथ जा रही होंगी? हाँ हाँ, क्योंकि उनकी नजर में ये इंसानों का काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम। ये उन्होंने कहा है? नहीं, हमने उनकी तरफ से। अनीसुद्दीन को बोलो कि वो उनकी बीवी है, हमारी नहीं। हमारी कुछ तो है ना। हम देख रहे हैं कि आपका रवैया अनीसुद्दीन के साथ काफी बदल गया है। जो भी था स्कूल की वजह से था।
स्कूल खत्म, अच्छा रवैया भी खत्म, और जितनी बेइज्जती हमारी की है वो स्कूल के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हमें बुरा करके माफ कर दीजिए। माफ करने वाले को माफ करते ही रहना चाहिए, है ना? मैं देखती हूँ करीम को जाके मोबाइल में लाने। आप हमारी बात सुनिए। आप हमारी बात सुने, आपने मुझे मना किया था ना कि आप साथ नहीं जाएंगे? हाँ कहा था। हाँ तो फिर आप क्या मसला है? अब मैंने अम्मा को कॉल करके बुला लिया, आपको क्या है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी औरत आपके साथ जाए जिसे कुछ नहीं पता, जो जाहिल हो। अनीस अपनी हद में रहिए आप, वो हमारी माँ है और माँ होने के लिए किसी सर्टिफिकेट किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। हाँ लेकिन जाहिल माँ होने के लिए भी किसी को कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। अनीस मैंने कह दिया कि मैंने अम्मा को बुला लिया और आप सुन लें कि मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। आप ऐसा नहीं करेंगे, वो यहाँ पर आना चाहती हैं, जरूर आए, खाना खाएं, आराम से बैठे, लेकिन आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे पर ऐसी जाहिल औरत का साया नहीं पड़ने दूंगा। बच्चे मेरे और मेरे घर वालों का साया नहीं पड़ेगा उनपे। जी ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। प्लीज कर दीजिए। हाँ लेकिन एक बात सुन ले आप, कि अगर मेरे बच्चों पे मेरे घर वालों का साया नहीं पड़ेगा ना अनीस, तो आपके घर वालों का साया भी नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे बकरी के बच्चों की तरह ये मैं और हम करते नहीं फिरेंगे, वो जो भी करेंगे मेरी तरह से करेंगे, मैं अपनी मर्जी करूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। और ये पकड़ो, हम नहीं जा रहे आपके किसी डॉक्टर पे, चली जाऊंगी मैं, खुद पता कर लूंगी, खुद चली जाऊंगी। अगर आपके लिए मेरे घर वाले जरूरी नहीं है तो मेरे लिए भी आपके घर वाले जरूरी नहीं है। मेरे जो दिल में आएगा मैं करूंगी। जाहिदा, जाहिदा हमारी बात सुनिए आप। हाँ हाँ बेटा हम निकल रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा भी साथ आ रहे हैं, चले। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अप्पा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा देखो मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी अम्मा को तुम्हारे पास छोड़कर मैं चला जाऊंगा, तुम्हें देखने को जी चाह रहा है ना मेरा। अब्बा अब्बा आप लोग मत आइएगा। हैं? आप मेरी अम्मा से बात करो। अम्मा हेलो। हाँ बेटा बस हम आ ही रहे हैं। हाँ अम्मा, अम्मा आप मत आइएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे क्यों, क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों जाओगी? क्यों अम्मा, क्या हो जाएगा अकेली चली जाऊंगी तो? कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हेलो क्या हुआ? कह रही है मैं अस्पताल अकेली चली जाऊंगी। अकेली कैसे चली जाएगी, वो गली के नुक्कड़ तक तो जा नहीं पाती। और क्या, जो बच्ची गली के नुक्कड़ तक अकेले नहीं जा सकती थी वो अस्पताल अकेले कैसे जाएगी? अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं उसके पास चला जाता हूँ, ठीक है ना? सुने मैं भी साथ जाऊंगी। नहीं नहीं तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ ना बस, ठीक है? कोई ना कोई बात जरूर हुई है जो उसने मुझे आने से मना कर दिया, छुपा रही है मुझसे कुछ। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करना। बदर साहब आ गए आप? जी। चले? नहीं वो जाहिदा अकेले चली गई है। अकेले चली गई? जी। अच्छा जबी। क्या जबी? जबी घर में जरा जरा सी खामोशी है। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि घर में जरा बेरौनक है। कैसी बातें कर रही हैं खैरुन्निसा बेगम, इस घर में रौनक तो आपकी वजह से है, आपकी वजह से और शगुफ्ता मन्नान की वजह से। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब?
क्या आप दोनों इस घर की बेटियां नहीं है? है ना, तो रौनक आप ही की वजह से होगी और क्या। वैसे अकेले ही चली गई हैं जाहिदा? हाँ अकेले चली गई हैं, जबकि हमें तो अनीसुद्दीन ने कहा था, फिर भी पता नहीं क्यों अकेले चली गई। अपनी वालदा के साथ गई होंगी, खासा तजर्बा है उन्हें। सर बदर बुरी बात। देखिए ऐसे मत देखा कीजिए आप हमें, जब आप हमें ऐसे घूरती हैं ना तो हमें अपने स्कूल के सर करमुल्ला याद आ जाते हैं, वो भी हमें ऐसे ही घूरा करते थे, कभी कभी झाड़ भी दिया करते थे। और ये जो बुरी बातें होती हैं ना, ये इतनी बुरी नहीं होती, असल में मजा इन्हीं का होता है। ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था जाहिदा को। जी हाँ बदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अकेले नहीं जाना चाहिए। गई कहाँ है इसका भी पता नहीं होगा। नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जितना ख्याल आप इसका रखते हैं कोई सगा भाई भी नहीं रखता होगा। खैर निसा, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि हमें किसी का भाई ना कहा कीजिए। देखिए ना, अगर अल्लाह ताला ने अपनी मंशा से अपनी रजा से हमें किसी का भाई नहीं बनाया, किसी को हमारी बहन नहीं बनाया, तो हम कौन होते हैं मालिक की रजा से लड़ने वाले। और फिर याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो आप भी कहा करती थी ना कि हम आपको बहन बोले, याद है आपको? आवाज देखिए, आप कहाँ हैं और हम कहाँ। सही कह रहे हैं आप, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वैसे आप जैसा शौहर अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढते ना तो हमें नहीं मिलता। नहीं, चिराग वाला की छोड़िए, हम जहाँ हैं उजाले वहाँ। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह का बहुत शुक्र। आई नहीं अब तक जाहिदा? बदर साहब बच्ची नहीं है वो, आ जाएंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मुझे जरा काम है। आप चलिए, हम आ रहे हैं। आफरी आफरी उसने जाना गिटारी, मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ। अरे चाय बना रही है, पाए बना रही है, सर दर्द से फटे जा रहा है, ले आओ चाय। ला रही हूँ अम्मा, सब्र कर लिया करें, अभी गिरती जाए। अम्मा लगता है दरवाजे पे कोई आया, मैं खोलूं जाके। रुक, बहुत जल्दी है तुझे दरवाजे पे जाने की, खोलती हूँ मैं खुद, बल्कि वो मेहरबान अदनान वहाँ खेल रहे हैं, खुद ही खोल देंगे। अम्मा वो खेल रहे होंगे, मैं खोलती हूँ ना, मैं खोल के आती हूँ। अरे रुक, मुझे हर वक्त दरवाजे पे जाने की पड़ी रहती है। अदनान देखो दरवाजे पे कौन है। अरे आप थे, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं को रहने तो गया नहीं था वहाँ पर। अब्बा पापा कैसी हैं? ठीक है। अच्छा तुम जाओ, चलो बोला ना, जाओ तुम। है क्या कह दिया बच्ची ने? ये तुम बच्चियों को क्या बोलती रहती है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? वो पूछ रही थी कि पापा कैसी हैं। अरे वो तो बस, अरे अल्लाह मैं मर गई, मंजूर अली गलती हो गई। गलती हो गई? ओ भाई गलती हो नहीं जाती, बल्कि गलती उसे कहते हैं जो हो रही होती है। अच्छा गलती हो गई ना, और क्या अपनी जूती उठा के अपने सर में मारूं? कैसी थी जाहिदा? पागल है तुम्हारी बेटी, उसके मियां ने उसे कहा था कि मेरी बहन के साथ चली जाओ। तो उन पर भी तुम्हारी तरह अपनी माँ का भूत सवार होगा। देखो साहिदा, मैं कहकर आया हूँ कि जो तेरी मेरी में रहती है ना, वो कभी किसी की नहीं हो पाती। उसके मियां ने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, बदतमीजी तो नहीं की। मंजूर अली कोई बात हुई है ना वहाँ पे?
अरे कह कर आया हूँ सब कुछ उनको, अब बासू मुझे बहुत भूख लगी, जाके खाना ला के दे मुझे यार, बोलना तो उनको ही जैसे आता है ना। चलो उठ, मेरे लिए खाना लेके आ। उठ। गुस्से में आए हैं वहां से, खैरियत लगती नहीं है मुझे, वैसे कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। हाँ करीम अली, हम कब से आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? अभी तक काम नहीं किया और आप वहीं पर हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, जैसे ही काम हो हमें बता दीजिएगा। सब ठीक तो है? हाँ। जाहिदा हमारे साथ जाने वाली थी, हमने तो सरबदर से बात भी कर ली थी। जी वो, लेकिन वो अकेली चली गई। अकेली? पर क्यों? क्या बताएं हम आपको, वो कहती हैं कि जिस तरह हमने अपने बच्चों से उनके घर वालों का साया दूर किया है, उसी तरह वो भी हमारा साया नहीं पड़ने देंगी। जैसा ही समझ लीजिए। फूल खाला याद है? जो मसूद नाना की बेटी थी जिनकी आंखें हरी हो गई थी, वो? हाँ वही। जब उनके यहाँ पहली औलाद होने वाली थी तो उन्होंने अपने मरहूम भाई सैयद मोहम्मद की तस्वीर अपने कमरे में लगा ली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी पहली औलाद जो भी हो वो सैयद मोहम्मद की तरह दिखे। अच्छा। मगर दूसरे ही दिन उनकी सास ने अपने मरहूम बेटे की तस्वीर उनके कमरे में लगवा दी थी, ताकि जो भी बच्चा हो वो उनके बेटे की तरह दिखे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जानते हो क्या हुआ? बच्ची सैयद मोहम्मद जैसी हुई, क्योंकि उन्होंने तस्वीर दीवार से हटाई थी, उनके दिल से नहीं। आप क्यों हमें डरा रही? डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। आप तस्वीर दीवार से हटा रहे हैं, दिल से नहीं। और गुस्सा हमें सवार कर रहा है। जानते हैं, बुरी लगने लग गई है हमें अनीस की बीवी। चाय? जरूरत नहीं है। सही, अच्छा चले मैं पी लेती हूँ। अच्छा मैं भी नहीं पीती। वो अम्मा की कॉल आई थी, कह रही थी कि तुम्हें अकेले डॉक्टर पे नहीं जाना चाहिए, अपनी नंद को ले जाओ। वो कौन होती हैं आपके साथ जाने वाली? मतलब? मतलब ये है कि हमने तो सिर्फ इतना सीखा है कि अपनी माँ होती है। आपके शौहर की माँ और उसकी बहन तो आपकी कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है और मैं ऐसा नहीं सोचती। ऐसा ही है, आप ऐसा ही सोचती हैं। अच्छा आपने कह दिया तो फिर जाहिर सी बात है ऐसी ही बात होगी ना, क्योंकि आपकी कही हुई हर बात तो पत्थर पे लकीर जैसी होती है। नहीं नहीं नहीं, इट्स द अदर वे अराउंड। हमारी कही हुई हर बात आपके लिए एक लकीर पर पत्थर की तरह है। आपने देखा है कभी लकीर खींच कर उसके ऊपर पत्थर रख दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती ना? किसकी? लकीर की। वैसे हमारी बात है, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई वक्त नहीं, नो वैल्यू। मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर है या हकीम है? वो कौन सी होते हैं वो हकीम जो हजामा करते हैं? शायद वो होगी। डॉक्टर? कहाँ की डिग्री है उसकी? एडवर्ड की? ये तो नहीं पता मुझे। हाँ, आपको तो कुछ भी नहीं पता, सब कुछ तो आपको मैं बता रहा होता हूँ।
अच्छा उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए हैं, आप मेरे साथ अगर ठीक है आप खैरुन्निसा को अपने साथ ले जाइएगा। लेकिन कह दिया मान लीजिए बात, हमने आपसे पहले भी कहा था हमसे ये औरतों वाले काम नहीं हो सकते। खैरुन्निसा के साथ चली जाइएगा। क्या मुसीबत है? पता नहीं दो तीन दिन से कौन है पत्थर मार के चला जाता है। दो तीन दिन से कोई पत्थर मार रहा है और तुम्हें अभी बता रही हो मुझे? तो क्या करती क्या बताती, जब जाती हूँ तो भाग जाता है। टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं, तू बैठ मैं जा रहा हूँ बैठ। ये बदतमीज लोग खामखा ज्यादा लड़ाई ना कर ले। दो महीने बहुत वक्त होता है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अनीस मियां आपको तो अल्लाह ताला ने हमेशा बिन मांगे नवाजा है, तो इस बार भी। हाँ लेकिन एक बात सुन ले आप कि अगर मेरे बच्चों पे मेरे घर वालों का साया नहीं पड़ेगा ना अनीस, तो आपके घर वालों का साया भी नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे बकरी के बच्चों की तरह ये मैं और हम करते नहीं फिरेंगे। वो जो भी करेंगे मेरी तरह से करेंगे, मैं अपनी मर्जी करूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। फिर जानते हो क्या हुआ? बच्ची सैयद मोहम्मद जैसी हुई, क्योंकि उन्होंने तस्वीर दीवार से हटाई थी, उनके दिल से नहीं। आप क्यों हमें डरा रही? डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। आप तस्वीर दीवार से हटा रहे हैं, दिल से नहीं। शुक्र मिल गया मोबाइल। कहाँ से? वो बीजान के कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ था। लाइए दीजिए, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। नहीं ठीक है, मैं चार्ज कर देती हूँ। वैसे भी मुझे चार्ज करना बहुत खूब आता है। नहीं हम खुद कर लेंगे। नहीं सदरुद्दीन, हम कर लेते हैं चार्ज। कोई चक्कर तो नहीं है? कैसा चक्कर? यही, आप अपना मोबाइल नजमुद्दीन को दे देते हैं खेलने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं ऐसा कोई चक्कर हो भी नहीं सकता। आप हमें बहुत अजीज, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। सदरुद्दीन, हम आपको अजीज नहीं जान से ज्यादा अजीज होने चाहिए। हम जा रहे हैं, आप बैठिए और अकेले अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। हाँ आपको तो पता है कि सबके साथ खाया पिया जाता नहीं है हमसे। जी अनीसुद्दीन भी यही कहते थे कि इंसान अकेले बैठ के आराम से खाना एंजॉय कर सकता है। जैसे वो खा रहे हैं। भाई बदरुद्दीन भी यही कहते हैं कि जायदाद में बेटियों का हक भी होता है। मेरी एक सलाह मानिए, आप बदरुद्दीन भाईजान से थोड़ा दूर आकर, वरना एक दिन ना वो आपको ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का। हम जा रहे हैं बीजान के साथ नाश्ता करने के लिए। चार्ज कर दूंगी फोन आपका। चादर चाहिए मुझे, धोबी को भेजनी है। क्या मुसीबत है, सुकून से लेटने भी नहीं देते।
आराम है ही किसको इस घर में? मेरे ससुराल वालों ने क्या डेट दी है? वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। वेरी गुड, पर हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? अम्मी से पूछो यार, मुझे चादर दो। ये क्या मुसीबत है? कहाँ अम्मा? अम्मा, अम्मा बाजार गई है सौदा लेने। तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? तुम लोगों को मेरी शादी वादी नहीं करनी है क्या? करनी है, पर कब? अम्मा से पूछो तुम ये चादर मुझे दे रही हो या मैं जाऊँ? नहीं दे रही, जाओ दफा। ठीक है। बेटा देख कर। जी जी बीजान। इंसान हर चीज की सवारी करता है, मगर गुस्सा उसकी, यहां तक के उसकी अकल की भी। जी बीजान, शायद शायद हम वाकई गुस्से में, गुस्सा हमें सवाल कर रहा है। जानते हैं, बुरी लगने लग गई है हमें अनीस की बीवी। आपने तो 2 माह का वक्त दिया था ना? और दे दिया है ताकि अनीस मियां की नजरों में उसका वक्त जल्द खत्म हो जाए। आप नहीं समझेंगी, मुझे लगता है कि मेरे प्यार के तरीके से आप नहीं समझेंगी, इसलिए मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है,